अब हमको तो यूं तो वृंदावन में हर जगह भगवान का वास है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर ले चल रहे हैं जहां साक्षात राधा कृष्ण विराजमान हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइव जयते और मैं हूं धर्मेंद्र साहू। हम आपको ले चल रहे हैं वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में। काफी सिद्ध मंदिर है, स्वयं प्रकट भगवान के विग्रह यहाँ विराजमान है। तो चलिए चलते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति आराधना का प्रमुख केंद्र है राधा वल्लभ मंदिर। बांके बिहारी मंदिर के पास ही स्थित राधा वल्लभ मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। यहां प्रतिष्ठित श्री राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह भगवान शिव ने स्वयं श्री आत्मदेव नामक ब्राह्मण को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दिए थे। बाद में राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन देकर आत्मदेव ब्राह्मण को आज्ञा दी कि ये श्री विग्रह बे श्री राधा रानी के उपासक हरिवंश जी को प्रदान करें। प्रगट तो आत्मदेव ब्राह्मण था, उसने शिव जी की पूजा करी थी तो उनको ये स्वरूप दिया था और आत्मदेव ने शिव जी हरिवंश जी महाराज को ये दिया था स्वरूप। आत्मदेव ब्राह्मण था, उसने शिव जी की उपासना करके ये मांगा था कि मुझे ऐसी चीज दो जो आपको प्रिय है। शिव जी को बोला आपको जो प्रिय है, तो आत्मदेव ब्राह्मण को शिव जी ने ये स्वरूप दिया था। आत्मदेव ब्राह्मण को राधिका जी ने स्वप्न दिया तो हरिवंश जी महाराज ने स्वरूप दिया। हरिवंश महाप्रभु ने देववन से वृंदावन आकर यहाँ भगवान श्री राधा वल्लभ को प्रतिष्ठित किया। भगवान के श्री विग्रह के बगल में राधा रानी की गुरु गद्दी के रूप में उपासना की जाती है। विद्वान बताते हैं कि श्री हरिवंश महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की वंशी का अवतार थे। 500 साल हो गए इनको, उन्होंने स्थापना करी है। राधिका जी को उन्होंने गुरु बनाया था और राधिका जी की उन्होंने स्थापना करी है। राधा वल्लभ जी महाराज श्री कृष्ण की वंशी का अवतार है। आज भी श्री राधा वल्लभ के इस दिव्य मंदिर में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति और शांति का अनुभव रसिकों को होता है।